वेलकम दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज आपके सामने एक और नई वीडियो पे हाजिर हो चुके हैं और आज हमारा वीडियो का टॉपिक है भगेश्वर धाम एक्सपोज डॉक्टर जाकिर नायक ग्रेट रिप्लाई। दोस्तों इस वीडियो को आप हमारे साथ आखिर तक जरूर देखें, बड़ा जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। और आगे देखने से पहले आप चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसा को बेहतरीन वीडियो से अपडेट्स मिलते रहे तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं, सो लेट्स वॉच इट। इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले पहले नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे तीन भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है सात फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का और पूरे 16 सिंगार का। मैं दो बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ वहां से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम है सऊद अहसन उस्मानी, मैं यहीं क्रिश्चियन कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। वाओ, आपने हम लोगों को दावत के बारे में बताया कि हम लोग गैर मुसलमान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कल को इंशाल्लाह जब मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए आगे दुनिया में निकलूंगा, तो किसी गैर मुसलमान ने मुझसे सबसे पहले ये पूछ लिया कि मैं अपना मजहब छोड़ के, जिसको मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपका इस्लाम क्यों पकड़ लूं? या एक स्टेप आगे जाके उसने ये कह दिया आप अपना इस्लाम छोड़ के मेरे मजहब में क्यों नहीं आ जाते? तो इन दोनों सवालों का मैं क्या जवाब दूं? शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं मेरा मजहब छोड़ के इस्लाम क्यों कबूल करूं, या आप इस्लाम छोड़ के मेरा मजहब क्यों नहीं कबूल करते, वैसी मिसाल है कि एक स्कूल अगर हिसाब में ये बच्चों को सिखाती है कि 2 + 2 = 5 और दूसरी स्कूल सिखाती है 2 + 2 = 4, तब कौन सी स्कूल में दाखिल होंगे? वो स्कूल जो हक की बात कर रहा है, लेकिन आम इंसान को हिसाब के बारे में पता है कि 2 + 2 = 4 है और 2 + 2 = 5 नहीं है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे जो कॉलेज में सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है। उसी तरीके से आप उस मजहब में दाखिल हो जिस मजहब में सबसे बेहतरीन इंसानियत के बारे में कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से, चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस्लाम से अच्छा मजहब दिखाओ और मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके मजहब में दाखिल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं जाकिर कुफ्र की बात कर रहा है, कुफ्र कुफ्र की किधर बात है, हक की बात है। मैं जानता हूं कि इस्लाम से अच्छा मजहब है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तरीका दिखाते किस तरीके से दावत देना। ये जो आपको हिदायत मिलती है अल्लाह के कुरान से, अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, तो आप कहो कि मैं सबसे पहला उसकी सिजदा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह बेटा जन ही नहीं सकता। अगर अल्लाह बेटा जनेगा तो मैं सबसे पहला सिजदा करूंगा, जो कुरान की आयत है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आप इस्लाम से बेहतर मजहब दिखाओ मुझे, मैं वो मजहब को कबूल करूंगा। क्या बात है, चैलेंज। अगर आप इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पे अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फंड नहीं है, ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे मुताला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला विला कल मितिन सवा इम बैना बैनको, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है।
तो इस तरीके से जब भी हम गैर मुसलमान से बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो आयत मैंने कहा को, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आप कहेंगे भाई साहब आप हिंदू है, आप ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं, चलो जो हम में इख्तलाफ है उसको बाजू रखो, जो आप और हम में यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। तो आपको मेरे मजहब में नया आने के बताओ, मुझे आपके मजहब में नया आने के बताओ, ठीक है, कम से कम जो आप और मेरे मजहब में यकसा है उस बात के ऊपर तो हम एक साथ में अमल करेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं तालाव इला कलम सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत करें, वला नुश्रिक बिही शैया, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें, वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं, मिसाल के तौर पे कोई हिंदू से मिलता हूं, वो कहता है कि मैं मेरा मजहब क्यों छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूं, मैं कहूं मत दाखिल हो, कौन बोल रहे दाखिल होने के लिए, कम अज कम आप बराबर से आपके मजहब पर कम अज कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात जो दावत की सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला फरमाते ताला विला कल में तीन सवाइम बैना बैनकुम, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। सबसे पहली बात है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। तो जब हमको हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं, कोई कहेगा तीन, कोई कहेगा सौ, कोई कहेगा हजार, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मजहब के बारे में इल्म है, हिंदू मजहब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। अच्छा, वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है, खुदा का है, पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फर्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, फर्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के फर्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फर्क है का। किस तरीके से हम उस फर्क को समझेंगे, अल्लाह ताला फरमाते तालाव इला कलम दिन सवा इन बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं, लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्त कसिज जनिता न चदीपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है, ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेता शतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है।
और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मींस जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। ऑल दोज ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स, जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। अच्छा। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है, लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म पविशन थी या असंभूत उपास थे, अंधात्म मित अंधकार, अंधात्म मित अंधेरा, प्रविशन थी मतलब दाखिल होना, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग, जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध, अगर आप इंसान की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। सो मैं हिंदू से कहूंगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में लिखा हो क्या, एक भगवान है, एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुद्ध है, बुद्ध परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं कहूंगा कि आपकी किताब में लिखा हो कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लेके आता है उसकी बात को मानना चाहिए, और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करेंगे आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरीके से हर इंसान अगर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करे और अपने दीन को फैलाए तो इंशाअल्लाह आज की तारीख में मुसलमान की हालत और बेहतर होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये था वीडियो, वीडियो पे हम देखते हैं बागेश्वर धाम जो है वो अपने दरबार में खड़े हुए थे और काफ़ी सारे लोगों की वहाँ भीड़ थी, और वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो कि कहती है अपने आप को कि मैं मुसलमान थी और हिंदू में कन्वर्ट हो चुकी हूँ, और उन्होंने अपने आप के बारे में चीज़ें बताने लगी और ये तक बता दी कि मुसलमानों में बहन भाइयों में शादी हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि इन्होंने सही से मुसलमानों के बारे में पता ही नहीं किया। मुस्लिम्स के बारे में अगर पता करना है तो कोई मुस्लिम दोस्त बनाओ, तभी आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि वो लेडी जो है कुछ भी बोल रही थी, वो ये कह रही थी कि मुसलमानों में बहन भाइयों में शादी हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ ये होता है कि कजिन में शादी होती है जो कि जायज़ है करना, जैसे मामा की बेटी या चाचा का लड़का, इस तरीके का तरीके से शादी हो सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं इसी में ही करनी है, ये आपके मन के ऊपर है, लेकिन अपना जो सगा बहन भाई होता है उसमें शादियाँ नहीं होती, वो तो सगा बहन सगा भाई हो गया। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो जो है शुरुआत में हम देखते हैं जो कि पूरी एकदम ही हमने काफ़ी सारी वहाँ भीड़ देखी, और उसके बाद ठीक हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो, और उसमें एक भाई उठते हैं बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हम किसी को दावत देते हैं इस्लाम के लिए तो वो अगला पूछ सकता है कि हम आपके मजहब में क्यों हैं, आप हमारे मजहब में आ जाइए, मतलब उल्टा दावत भी वो भी दे सकता है। तो इसके रिलेटेड अगर हम कुछ जवाब देना चाहें तो इसमें सबसे बेहतरीन जवाब क्या होगा, तो डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कुरान, हदीस और जितनी दीगर मजाहिबी किताबें हैं उनमें से जो चीज़ें जो आयतें सेम हैं, जो रेफरेंस सेम है, उसको मानो और उसमें आ जाओ, मतलब सारी दीगर मजाहिब की किताबों में और कुरान शरीफ और हदीस में सीधा सीधी दिया हुआ है कि ईश्वर अल्लाह एक है, और ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रिंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, ये सब नहीं है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पे इंसान को मानना चाहिए, क्योंकि हर दीगर मजाहिब की किताबें ये कह रही होती हैं। और अगर कोई हिंदू जैसे स्वामी है, आलिम, तो वो इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, वो इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यस यू आर राइट, ये सही बात है, एक ही गॉड है, एक ही गॉड है। कितने सारे हमने हिंदू स्वामी के आलिमों के बारे में भी हमने वीडियो देखी है, उसमें रिएक्शन दिया है, और वो लोग इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, लेकिन आम हिंदू क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया, वो ये कह रहे हैं कि आम हिंदू से अगर पूछा जाएगा तो वो ये कहेंगे कि हम
मतलब एक खुदा को मानते हैं या 10 को मानते हैं या 100 को मानते हैं या 1000 को मानते हैं या फिर 33 करोड़ के बारे में उन्होंने बताया। तो ये चीज एक आम हिंदू जो है वो एक फिलोसफी पे मानता है जिसका नाम है पैंथियज्म। वो पैंथियज्म क्या है कि आम हिंदू ये मानता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं है ना, ये सारी चीजें खुदा हैं। लेकिन मुसलमान जो है वो ये बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें खुदा का है। मतलब एक का अंतर है। अगर ये का जो है इस का को समझ लिया जाए तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, ये डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया। क्योंकि किताबें जो हैं धर्म की, हर धर्म की किताबें जो है वो यही कह रही हैं कि ईश्वर एक है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर किताब में सबूत भी है। तो इन्होंने रेफरेंस भी दिया है और ये भी बताया कि इतने सारे उपनिषद के रेफरेंस दिया है कि ईश्वर एक है ना। तो इसमें हम लोग को सोचना समझना चाहिए। बाकी दोस्तों आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखें।